हे गाइस, इस वीडियो में मैं ई लर्निंग सेशन ऑन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एनसीईआरटी का बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस मॉड्यूल का फुल इन्फॉर्मेशन बताया है, जिसमें कि मैंने हर एक लेक्चर को कैसे स्किप करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मैंने पूरा फुल डिटेल इसमें बताया है। और आप बिना स्किप किए ही देखना, क्योंकि ये वीडियो तो लंबा हो ही गया, क्योंकि मुझे इसे करने में एक घंटे से भी ज़्यादा समय लगा है, बट इसे मैंने फुल इन्फॉर्मेशन बताया है और कैसे लेक्चर को कम्प्लीट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन का कितना करेक्ट आंसर होगा, ये सब मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप एकदम। और इसमें इसमें भी 80% पर मार्क्स है, तो आपको मैं 80% भी दिलवाऊंगा ताकि आप पास हो सको। इस वीडियो को शूट करने में मुझे एक घंटे से भी ज़्यादा लग गया है और इस वीडियो को एडिट करके आप तक पहुंचाने में मुझे 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया है। लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगा इस वीडियो के पीछे। बट आप गाइस वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ ऑनेस्टली सब्सक्राइब कर देना। आपको सब्सक्राइब और लाइक करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, फिर भी आप नहीं करते हो। मैंने कितना एफोर्ड किया है आपके पीछे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बढ़ते हैं वीडियो के प्रोसेस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे और आप पास हो जाओगे। इसमें भी आपका अटेम्प्ट बॉक्स में अटेम्प्ट लग जाएगा, मतलब मार्क कम्प्लीट हो जाएगा। और जो मैं वीडियो शूट करता हूँ, आप लोगों के डिमांड के ऊपर ही शूट करता हूँ। जो आप लोगों का क्वेश्चन रहता है, जो आप लोग कहते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड मैं वीडियो शूट करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे आप क्लिक करना, फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर करना। एंटर करने के बाद भी आपका ऐसा कुछ दिखा रहा है, बार बार लोडिंग हो रहा है, वीडियो ओपन नहीं हो रहा है, तो आप फिर से एग्जिट एक्टिविटी करना। आप यहाँ पे एग्जिट एक्टिविटी करना, फिर से एंटर करना और फिर से 2-3 बार एग्जिट एक्टिविटी और 2-3 बार एंटर करोगे तो फिर आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को ऑन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वीडियो शुरू हो जाएगा। फिर ये वीडियो शुरू होने के बाद फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट वीडियो शुरू करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट वीडियो शुरू हो चुका है। इस तरह से आप अपने स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को देख सकते हो। गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल 20 लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लेना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। यहाँ पे लेक्चर 2 भी कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना। व्हाट इज GIS और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम? अ GIS इज डिफाइंड एज अ सिस्टम यूज्ड फॉर लेक्चर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो लेक्चर 4 आएगा। लेट अस नो मोर अबाउट GIS डेटा टाइप्स और डेटा मॉडल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी। इसी तरह आपको नेक्स्ट लेक्चर करते जाना है और बीच में कुछ क्यूज और क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे आपको कंप्लीट करना है, तभी आप GIS को अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पे लेक्चर 5 भी कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट करते हैं। बेटर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्चर 6 आ गया। GIS We should know the limitations of manual method. Some common limitations of manual methods are: map information is processed and presented in a particular way. A map shows a single or more than one predetermined themes. The alterations of the information depicted on the maps require a new map to be drawn. यहाँ पे लेक्चर 6 भी कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। We have seen the different functionalities and advantages of GIS. Now, let us know the important components of a geographical information system. The components of GIS include hardware, software, data, people, procedures. Click or tap each. अब इसके बाद यहाँ पे पांच दिया हुआ है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा डाटा, चौथा पीपल, पांचवा प्रोसीजर। तो आपको इसके बाद नेक्स्ट करने के लिए पांचों टैब में एक टैब में क्लिक करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखना होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे टैप करके दिखाता हूँ। पहले हार्डवेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। The GIS hardware consists of और four major components, इसे बैक करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो इस लेक्चर को नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पे जो क्रॉस का ऑप्शन दिया हुआ इसे क्लिक करना। पहला कंप्लीट हुआ,
अब दूसरा के बारे में देखना पड़ेगा, जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में अब देखते हैं, इसे टच करते हैं। यहाँ पे आप देखते हो आपने, मैंने हार्डवेयर का नोट देख लिया तो यहाँ पे टिक करेक्ट लग गया, और सॉफ्टवेयर का वैसा ही देखूंगा तो यहाँ पे भी टिक करेक्ट लग जाएगा। तो अब सॉफ्टवेयर को बारे में देखते हैं। Application software with the following functional modules is important prerequisite of a GIS. Software related to data entry, editing. अभी इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ से क्रॉस को ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर वाला भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे टिक लग चुका है। अब नेक्स्ट डाटा करते हैं। सो आप देख रहे हो ये सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे टिक लग चुका है सॉफ्टवेयर में भी। सो उसी तरह नेक्स्ट लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो अब बचा हुआ है डाटा, तो अब डाटा में क्लिक करते हैं। स्पेशल डेटा एंड रिलेटेड टैब्यूलर डेटा आर द बैकबोन ऑफ जीआईएस। द एग्जिस्टिंग डेटा मे बी एक्वायर्ड फ्रॉम अ सप्लायर और अ न्यू डेटा मे बी क्रिएटेड और कलेक्टेड इन हाउस। अब देख रहे हो वो ये डाटा का लेक्चर देखने के बाद मैंने वहाँ से कट कर दिया, तो डाटा का भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे टिक करेक्ट लग गया है, टिक मार्क हो गया है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पीपल दिख रहा है, पीपल को टच करते हैं, और आपको जो इन्फॉर्मेशन इधर समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, तो आप यहाँ पे नीचे में जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे आपको डिटेल बताया कि हाँ यहाँ से करना है, क्लिक और टैप। एक मिनट, ये क्या हो गया? आपको अगर ऐसा करके कुछ आया, द स्कॉर्म प्लेयर हैज़ डिटरमाइंड दैट यूर इंटरनेट कनेक्शन इज अनरिलायबल और हैज़ बीन इंटरप्टेड, इफ यू कंटिन्यू इन दिस स्क्रम एक्टिविटी और प्रोग्रेस मे नॉट बी सेव्ड, यू शुड एग्जिट द एक्टिविटी नाउ एंड रिटर्न वेन यू हैव ए डिपेंडेबल इंटरनेट कनेक्शन। इसमें ओके करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो आ गए वापस। अब सेम उसी तरह पीपल में क्लिक करके इसे भी कंप्लीट करना है। ये भी कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे देखते हो टिक लग गया है। उसके बाद फिर प्रोसीजर में जाकर कंप्लीट करना है। GIS procedures. प्रोसीजर भी कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी टिक लग चुका है। अब ये पांचों लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट का ऑप्शन आया। अब ये 7 लेक्चर था, तो इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब 8वां लेक्चर आएगा। Before we proceed, let us have a quick knowledge check. Identify the GIS data types. Drag and drop the terms with their respective definitions and click or tap submit. अब इसी तरह अब लेक्चर 8 का क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है। लेट अस हैव ए क्विक नॉलेज चेक, आइडेंटिफाई द जीआईएस डाटा टाइप्स। अब इसे आप कैसे कंप्लीट करोगे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और जो ऑरेंज बॉक्स से आपको दिख रहा है, जी एक ऑरेंज बॉक्स दिख रहा होगा और एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, तो ऑरेंज बॉक्स वाला किस में भरना है उस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि टोपोग्राफिक सीट है, तो टोपोग्राफिक सीट का मतलब टेबुलर डाटा विथ स्पार्टियल डाटा कॉलम एंड टेबुलर डाटा नॉन स्पार्टियल डिजिटल एलिवेशन मॉडल। तो जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो 4 नंबर में आपको दिख रहा है, इसे यहाँ पे क्लिक करना और इस ग्रीन वाले बॉक्स में ले जाकर भर देना। आप देखना कि मैं कहाँ पे भर रहा हूँ, काइंडली आप देखना 4 नंबर है, 4 नंबर को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जाके अटैच कर दिया। तो इसी तरह दूसरा को भी करना है, जो 2 नंबर है, 2 नंबर जस्ट उसके ऊपर वाले में कर देना है। और यहाँ पे आप 3 नंबर देख रहे हो, 3 नंबर को यहाँ पे कर देना है और 1 नंबर को इधर कर देना है इसमें। और यहाँ पे अगर आपको समझना है तो यहाँ पे आप उसका गाइडलाइन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बोला गया ड्रैग एंड ड्रॉप द टर्म्स विथ देयर रेस्पेक्टिव डेफिनेशंस एंड क्लिक और टैप सबमिट। तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसे सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिखा गया है करेक्ट, करेक्ट, गुड जॉब, यू गोट इट राइट, कंटिन्यू कर देना है। द डिफरेंट फॉर्मेट्स टू रिप्रेजेंट द स्पेशल डेटा आर रास्टर डेटा, वेक्टर डेटा। क्लिक ऑन ईच बल्ब टू नो मोर अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पेशल डेटा।
अब यहाँ पे बोला गया है कि एक रेड कलर का बल्ब दिख रहा होगा, एक ग्रीन कलर का बल्ब दिख रहा होगा, तो ये दोनों के बारे में टैप करके इस दोनों की इन्फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद ही लेक्चर कंप्लीट होगा। तो पहले रेड बल्ब पे टच करते हैं। Raster data represents graphic feature as a pattern of grids of squares. A raster file would represent this image. So guys, रेड वाले बल्ब पे आप देखना टिक लग चुका है। रेड वाले बल्ब को दिखाया कि मैंने टिक लग चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब रेड वाले बल्ब के बाद आप ग्रीन वाले बल्ब को क्लिक करके उसके बारे में देख लो, और उसका जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में जा पाओगे। Points or lines. Each point would be expressed as two or three numbers. The represent. अब ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे जो नो मोर लिखा दिख रहा है, अब यहाँ पे टैप करना है। Advantages of raster models are simple data structure. आप इसे यहाँ से कट भी कर सकते हो। Easy and efficient overlaying of grids. Compatibility with satellite imagery. High speed. अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर नहीं देखना चाहते हो लेक्चर 9 को तो आप यहाँ से कट कर सकते हो। This data representation allows the user to easily reconstruct or visualize the original image. इसे भी इस कॉर्नर से कट कर लेना। अब देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन बल्ब और रेड बल्ब के नीचे दोनों में मार्क लग चुका है, मतलब कि दोनों मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट दिख रहा है, 9 लेक्चर कंप्लीट, अब 10वां की ओर बढ़ते हैं। We have successfully covered the data formats in GIS. Now let us know the sequence in which GIS activities are carried. The sequence of activities in लेक्चर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। Before we move ahead, let's have a quick knowledge check. How do you think would the real world appear on the raster and vector GIS data formats? Match the following images according to their parameters specified. Drag and drop the images against their correct raster or vector representations and then click or tap submit. यहाँ पे लेक्चर 11 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन को करना है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक रास्टर रिप्रेजेंटेशन दिया, एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या भरना है, देखो आप बस स्क्रीन पे आप देखो मैं क्या क्या आप स्क्रीन पे देखे, आप मुझे बस फॉलो करो, आपका आंसर राइट रहेगा। पहले दिया हुआ स्कूल, तो ये हो गया स्कूल, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और ये रास्टर रिप्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूल में होगा ये वाला, ये रास्टर रिप्रेजेंटेशन जो है, ये जो स्क्वायर टाइप का है, आप बिल्कुल ध्यान से देखना तभी आप कर पाओगे। रास्टर रिप्रेजेंटेशन में स्कूल को इसमें भरना है स्कूल में, और एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में ये वाला भरना है। अब यहाँ पे रेलवे ट्रैक आ गया, तो रेलवे ट्रैक ये हो गया रास्टर रिप्रेजेंटेशन में ये, और ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। और यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो ये वाला रास्टर रिप्रेजेंटेशन में, और ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। अब इसे सबमिट कर देना है। करेक्ट, गुड जॉब, यू गॉट इट राइट, कंटिन्यू। Use of digitalizers and scanners greatly reduce the time and labor involved in writing coordinates. We shall briefly. अब यहाँ पे आपको हर एक स्कैनर के बारे में टच करके जानना होगा, तो पहले एक को क्लिक करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। First type of scanners incorporates a source of illumination on a movable. आप कट कर दो। फिर अब दूसरे स्कैन के बारे में जानते हैं, यहाँ पे क्लिक करके the movement of either यहाँ से कट कर दो। अब हो गया ये लेक्चर 12 का कंप्लीट। अब यहाँ पे देख रहे हो 12 कंप्लीट हो गया, अब 13 के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। Let us discuss in detail about the second GIS activity called entering of attribute data. The attribute data defines the properties of a spatial entity that need to be handled in the GIS. लेक्चर 13 भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना। Next, we are going to know about the third GIS activity called data verification and editing. The spatial data captured into a GIS. अब यहाँ पे आपको 1, 2, 3 दिया हुआ है, तो आपको हर एक में क्लिक करके उसके बारे में जानना होगा, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ सकते हो। The incompleteness in the spatial. यहाँ से कट कर देना।
the digitizing at the wrong scale produce. आप देख सकते हो कि जब ये दोनों कंप्लीट कर लिया है मैंने, तो यहाँ पे टिक मार्क हो गया और इसका कलर चेंज हो गया है। अब येलो वाला बचा हुआ है, उसे भी कंप्लीट कर लेता हूँ। The spatial data may these errors need corrections through various editing and updating functions as supported directly by most GIS software. The process is time consuming and interactive that can take longer time than the data input itself. The data editing is usually undertaken. Finally, lecture 14 भी complete हो गया, अब 15 के लिए यहाँ पे click कर लेता हूँ. Out of 5, the fourth GIS activity is linkages and marching. Let us know more about this activity. अब यहाँ पे next lecture में जाने के लिए data linkage और नॉन एग्जैक्ट मैचिंग, ये तीनों में आपको क्लिक करके उसके बारे में देखना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर में जा पाओगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं पहले एग्जैक्ट मैचिंग में। एग्जैक्ट मैचिंग मींस व्हेन अब आप देख सकते हो मैंने एग्जैक्ट मैचिंग में यहाँ पे टिक करेक्ट हो गया है, मतलब कि मैंने इसे कंप्लीट कर चुका है। अब दूसरे तरफ बढ़ते हैं। अब हायरार्कियल मैचिंग में Some types of information, however, are collected in more detail and less frequently than other types of information. अब next fuzzy matching में. On many occasions. ये complete हो चुका है, so मेरा 15 भी complete हो चुका है, अब 16 के लिए यहाँ पे click करते हैं. The final GIS activity is spatial analysis. Let us look into the details of this activity. The strength of the 16 भी कंप्लीट हो चुका है, अब 17 के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। We have seen four spatial analysis operations. Among them, let us learn more about the overlay and buffer analysis operation. यहाँ पे 17 लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, अब आते हैं 18 में। In this module on GIS, we have learned the definition of GIS that लेक्चर 18 भी कंप्लीट हो चुका है, अब 19 में बढ़ते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। A delivery truck is supposed to drop off 5 packages. अब यहाँ पे कुछ You will have to help the driver deliver the packages on time by answering. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर ट्रक इज सपोज टू ड्रॉप ऑफ 5 पैकेजेस। एक डिलीवरी कार है जिसमें 5 पैकेट है और उसे डिलीवर करना है। यू विल हैव टू हेल्प द ड्राइवर डिलीवर द पैकेज ऑन टाइम बाय आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली। यू कैन हेल्प द ड्राइवर रीच ऑन टाइम। बोला गया है कि अगर मैं जितना आंसर करेक्ट करूं उतना हेल्प होगा ड्राइवर को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। द क्वेश्चन करेक्टली यू कैन हेल्प द ड्राइवर रीच ऑन टाइम। क्लिक और टैप टू व्यू इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर लेना है। Read the instructions carefully. Select a location to answer a question. Each correct answer will help you deliver a package. You will have to deliver all the packages in time. Click or tap start to begin. यहाँ पे अब start कर लेना। Click or tap any location to answer a question. ये location जैसा जो icon बना हुआ है वहाँ पे पहले one के पास click करते हैं first question के लिए। Which of the following is the expansion of GIS? Select the correct option and then click or tap submit. First question है, Which of the following is expansion of GIS? तो इसका चार ऑप्शन है, Global Information System, Geographic Information System, Global Integrity System, Geographic Integrity System. तो इसका answer, correct answer होगा A, Global Information System. अब फिर उसके बाद submit में क्लिक कर लेना है next question के लिए। Which one of the following is disadvantage of raster data format? Select the correct option and then click or tap submit. Second question is which one of the following is disadvantage of raster and for raster data format? इसका correct answer होगा D, difficult network analysis. Submit कर लेना है। Which one of the following is advantage of raster data format? Select the correct option and which then one of click the following is advantage submit. Of raster data format? इसका correct answer होगा option D, both A and C. Submit. Which one of the following is an advantage of vector data format?
Select the correct option and then click or tap submit. Which one of the following is an advantage of vector data format? Correct answer is D. Compact data structure. Submit. Which spatial analysis operation can be used to find the area or population benefited from a hospital? Select the correct option and then click or tap submit. 5 में है, which spatial analysis operation can be used to find the area population benefited from a hospital? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बफर. सबमिट. योर स्कोर 80% और पासिंग स्कोर 80%. सो आई कॉन्ग्रेचुलेसन, यू पास्ड, मतलब कि मैं पास हो गया हूँ. 80% मेरा भी रिजल्ट आया है. सो इस क्वेश्चन में मैं पास हो चुका हूँ. अब यहाँ पे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे 19 का कंप्लीट हो चुका है. अब 20 के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं. Congratulations. You have come to the end of the module on Geographic Information System GIS. Thank you. यहाँ पे आपका टोटल GIS मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है. अब कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे एक एग्जिट एक्टिविटी है, वहाँ पे क्लिक कर लेना है. अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका मार्क अटेम्प्ट हो गया है, मतलब कि एक मॉड्यूल को आपने कंप्लीट कर चुका है. सो उसी तरह आप अगर इसके ऊपर वाले बेसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग को कंप्लीट नहीं किए हो तो सेम तरीका से इसे भी कंप्लीट कर सकते हो. और इसका लेक्चर आप देख लेना, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा. सो ये था आज का वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और यार, ये वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है. सो बिना सब्सक्राइब और लाइक के मत जाना प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा यार.